औरंगाबाद में झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांग्रेस विधायक ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और कहा कि बीजेपी द्वारा जनता को झूठ की बहलावा दिए जाने का खेल खत्म हो गया और अब जनता सब कुछ जान चुकी है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम किया है। को लेकर चली कि झारखंड में बहुमत आया और प्रचुर मात्रा में बहुमत आई। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि झूठ की खेती कब तक चलेगी। जिस प्रकार से 2015-14 में एक सरकार बनती है, लोगों को देती है 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, तरह तरह के प्रलोभन देकर आती है। जनता ने उनको चुना प्रलोभनों में आके। फिर 2019 में भी वादे होते हैं, काला धन वापस आएगा, हम इस तरीके से जीडीपी को 10% ले जाएंगे, 5 लाख ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी। इस तरह एक झूठे वादे देकर आप कितने दिनों तक आप लोगों को छल सकते हैं। अंततः लोगों ने इनका जो नियत है उसको पहचाना और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों ने वास्तविक मुद्दों को उठाने का काम किया और जनता ने महागठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से आज झारखंड में हम लोग पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। एनआरसी के मुद्दे को लोगों ने देखा। देखिए, आप एनआरसी की बात करते हैं, ये इनका तो मैं पिछले हर चुनाव में देख रहा हूँ कि हर चुनाव के समय में कोई ना कोई इनका एजेंडा चला आता है, चाहे वो धारा 370 हो, एनआरसी हो, सीएए हो। ये तो केवल जैसे पॉलिटिकल स्टंट जिसको बोलते हैं, लगता है जैसे कि 2020 अमित शाह और मोदी खेल रहे हैं, हम लोगों को सेंसेशन में ला के चुनाव को निकालने की इनकी आदत बन गई है कि चुनाव के समय में कुछ ऐसा करें कि लोगों में सेंसेशन हो, आपसी धार्मिक विद्वेष आपस में पैदा हो और उस पर ये जाके या इनको जीत की मुहर लग जाए, लोगों में बंटवारा हो जाए और इनको जीत मिल जाए। इनका जो मोटिव है वो यही है, पॉलिटिकल स्टंट। एनआरसी में आज बताइए, आसाम में 2014 में 15 में आपने एनआरसी लागू किया, साहब 19 लाख लोग आज अटके पड़े हैं, जिसमें 13 लाख लोग यूपी, बिहार, झारखंड और प्रदेशों से जाके आसाम में, जिनके पुरखे जाके आसाम में बसे थे, वो 13 लाख लोग आज वो उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं, बहुत सारे मुसलमान भी हैं, अधर्म में लटके हुए हैं। उसी तरीके की व्यवस्था फिर वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। याद होगा आपको कि नोटबंदी के समय में उन्होंने क्या किया था, पूरे देश को लाइन में लगाने का काम किया और 200 मौतें हुई थी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी। स्थिति जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम जिस प्रकार से नोटबंदी ने किया, जीएसटी ने किया, एनआरसी भी उस ओर में एक बहुत बड़ा और विकराल कदम इसको बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को जाके चौपट करेगा, लोगों को लाइन में लगाएगा, लोग मरेंगे और अपनी नागरिकता प्रूव करने के लिए कि मैं भारत का वासी हूं, आम जन परेशान होंगे। क्या लगता है कि बिहार में अभी विधानसभा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से झारखंड में हम लोगों ने जीत हासिल की है, उसी प्रकार से बिहार में भी हम लोग जीतने का काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट चलने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से मोदी और शाह 2020 का गेम खेल रहे हैं क्रिकेट में, हर चुनाव के समय कोई ना कोई इनका स्टंट आ जाता है, ये जीतने वाले नहीं है। महागठबंधन की सरकार बननी तय है बिहार में।